वेलकम टू विमल कुमार ब्लॉग, फिर से आपका नया ब्लॉग का स्वागत है। अभी मैं जा रहा हूँ बैंगलोर टू भुवनेश्वर। तो ये देखिए प्रशांति एक्सप्रेस, मेरा टिकट है 64 है। तो मुझे छोड़ने के लिए भाई यार भाभी आए हैं, पीछे आप देख सकते हैं, देखिए। तो टोटल जर्नी है बैंगलोर टू भुवनेश्वर है, टोटल डिस्टेंस है 1548 किलोमीटर, 44 स्टेशन पर होल्ड करता है। और ब्लॉग पे आप बने रहे, आपको फुल डिटेल्स दिखाऊंगा और मेरा जर्नी आपको एक्सप्लोर करूंगा। अभी 110 किलोमीटर आने के बाद बैंगलोर से यहाँ पे हिंदूपुरा में हॉल्ट किए हैं, देख सकते हैं हिंदूपुरा प्लेटफॉर्म में, ये देखिए पीछे। अभी यहाँ पे 2 मिनट होल्ड करेगा, उसके बाद टेम्परेचर करेगा। या आज थोड़ा ट्रेन लेट है इसलिए फिर भी अटक के जा रही है, तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहे। गाइस अभी 292 किलोमीटर आने के बाद बैंगलोर से ये गुटे जंक्शन पर होल्ड किया है, ये देख सकते हैं ये जंक्शन का नज़ारा, ये देखिए। तो देखिए ये प्लेटफॉर्म 1 पे हॉल किया है, तो गुटे जंक्शन है। तो आप ये देखिए हमारा प्रशांति एक्सप्रेस जो हॉल किया है, 7-8 ट्रैक को हॉल करना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुत लेट में हॉल किया, मतलब रूट जानता था इसलिए। चलो फिर आगे बने रहिए। गए थे बैंगलोर से 320 किलोमीटर आने के बाद ये गुंटूर जंक्शन में हॉल किया है, ये प्लेटफॉर्म 5 में हॉल किया है, ये देखिए हमारा प्रशांति एक्सप्रेस ये 5 मिनट होल्ड करता है यहाँ पे गुंटूर जंक्शन पर। तो देखिए ये है गुंटूर जंक्शन का जो नज़ारा, ये देखिए हमारा जो प्रशांति एक्सप्रेस आज थोड़ा डेले चल रहा है, 30 मिनट डेले है। ट्रेन के काम थोड़ा चालू है, सफाई हो रही है, तो इसलिए और भी टाइम होल्ड होगा शायद लग रहा है। तो हमारा तो जो मैं नीचे उतरा था, तो देखिए हमारा जो क्लोज डोर जो क्लोज कर दिए हैं सब, वहाँ पर टॉयलेट सब का काम चालू है। तो देखते हैं कितने टाइम यहाँ पे होल्ड करता है, ठीक है आप बने रहे। खाना खत्म हो चुका है, अभी खा के लेता हूँ, देखिए अभी आराम कर रहा हूँ। मेरा ये बोलिए देख सकते हैं आप, तो फिर मिलते हैं कल सुबह। तो आज के लिए गुड नाइट, चलो फिर। ये देखिए ऐसी बोगी में थोड़ा ठंड लग रहा है, इसलिए मैं कमर अड़ा के सोया हूँ। तो चलो फिर गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग को। गुड मॉर्निंग गाइस, डे 2 में ये विजयवाड़ा जंक्शन पे 740 किलोमीटर आने के बाद ये देखिए विजयवाड़ा जंक्शन, यहाँ पे हॉल्ट किया है प्रशांति एक्सप्रेस। और ये देखिए सुबह हो चुका है अभी, और मुझे जाना है। तो आप इस वक्त को मजा रही है, आपको और स्टेशन बताऊँगा। चलो अभी ये देखिए हमारा ट्रेन जो प्रशांति एक्सप्रेस यहाँ पे हॉल्ट कर दिया है गोदावरी रिवर ब्रिज के ऊपर। ये देखिए गोदावरी रिवर का जो नज़ारा, सब लोग उतरे हैं, देखिए शायद रूट जाम हो गया इसलिए यहाँ पे हल कर दिया। देखिए गोदावरी नदी का जो रिवर कभी नहीं यहाँ पे हल करता है। चलो अभी बैंगलोर से 905 किलोमीटर आने के बाद ये राजमुंद्री पर हल किया है, ये देखिए राजमुंद्री स्टेशन का जो यहाँ पे 2 मिनट होल्ड करता है, उसके बाद ये डिपार्चर होती है। 9 किलोमीटर आने के बाद ये पुणे जंक्शन पे होल्ड किया है। तो अभी देखिए
देखे तो पानी खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने ये 5 रुपये का भर दिया, 1 रुपये देता है, ये देखिए भरा दिया 5 लीटर 5 रुपये लेते। आप ऐसे ही बटल खरीदे तो 20 रुपये लगता है, तो यहाँ पर खरीद लेना जब आप रेलवे स्टेशन के पास रहता है। मैं यहाँ पे खाना ऑर्डर किया तो आप जब ये आएंगे तो यहाँ पे मिलता है, अच्छा खाना है। 100 रुपया लेते हैं स्टेशन के बाहर, आप ट्रेन में ऑर्डर किए तो 150 रुपया लेते हैं, तो बाहर आके आप ले लें। ये देखिए ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आगे। गए जब भी 1359 किलोमीटर आने के बाद ही छपरूम स्टेशन पे हॉल किए हैं। ये देखिए बारिश हो रहा है यहाँ पे, और एक स्टेशन के बाद हमारा उड़ीसा आएगा तो ब्रह्मपुर स्टेशन। तो ये प्लेटफॉर्म 2 में हॉल किया है, 2 मिनट यह हॉल करता है। ये बेंगलोर से 1383 किलोमीटर आने के बाद ये ब्रह्मपुर स्टेशन पर हॉल किया है। ये ब्रह्मपुर स्टेशन का नज़ारा जा कि प्लेटफॉर्म 1 में हॉल किया है, जो ये अभी से उड़ीसा एंटर किया है। तो देखिए यहाँ इधर बारिश हो रहा है, तो मेरा बोगी उधर का देखिए, यहाँ हमारा प्रसाद एक्सप्रेस। तो यहाँ पे 5 मिनट हॉल करता है, पूरा ट्रेन लेट है डेली, 2 घंटा ले रहे, फिर भी बारिश से वेलकम कर रहे हैं उड़ीसा। तो चलो फिर मिलते हैं फिर आगे स्टेशन को। फाइनली आके 3 घंटा लेट फिर भी आके सरदार रोड जंक्शन पे हॉल किए हैं। ये देखिए 3 घंटा लेट है ट्रेन संत एक्सप्रेस, आज बहुत ही लेट कर रहा है। भुवनेश्वर कितने टाइम में पहुंचता है देखते हैं। ये प्लेटफॉर्म 3 पे हॉल किए हैं। गए जो मैं 1550 किलोमीटर आने के बाद बैंगलोर से मेरा जन्म भुवनेश्वर पहुंच गया है, फिर भी 2.5 घंटा लेट है। ये देखिए प्रशांत एक्सप्रेस खड़ा है, अभी टाइम हो गया 11:30 को, 7:15 को पहुंचने वाले थे लेकिन नहीं हुए, बहुत लेट था। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि लेट किया तो मैं उधर बस नहीं पाऊँगा घर जाने के लिए। चलो फिर यहाँ पे एंड करते हैं।